हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 3 Pro की कुछ कमियों के बारे में। अब दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है नहीं, तीन या चार ही कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको मैंने हाईलाइट किया है, और आप भी दोस्तों उनको ज़रूर जान लें, क्योंकि अगर आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो आप एक बार कॉन्स ज़रूर देख लें हर फ़ोन के, क्या पता जिस फीचर्स के लिए आप इस फ़ोन को ले रहे हो वही आपको इसमें ना मिले। तो वीडियो को डिसलाइक दोस्तों मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि यार बड़े चैनलों पर आप इस तरह की वीडियोज़ नहीं देख पाते हो, क्योंकि कोई भी बड़ा चैनल है वो आपको कभी भी कमियां नहीं बताएगा अगर उसको रिव्यू यूनिट्स मिलती हैं तो, क्योंकि कंपनी हमेशा यही चाहती है कि उनके प्रोडक्ट की हमेशा तारीफ ही हो, कोई कमियां ना बताए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट की कुछ अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं तो कम से कम कमियाँ भी बताई जाएंगी, ताकि आप अपने बिल्कुल दिमाग से सोच समझ कर फ़ोन को परचेज़ करें। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ रहने वाली है वही आपको बताऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर पहली बार आए हो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों से तक ये पहुंच सके और अधिक लोग दोस्तों इसके बारे में जान सके। तो आइए छोटे से इंट्रो के बाद करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, जो इसकी सबसे पहली कमी और सबसे बड़ी कमी दोस्तों मुझे लगी है वो है यार Realme की आफ्टर सेल सर्विस। अब इसे कंपेयर करें हम सैमसंग के साथ या रेडमी के साथ, हालांकि सैमसंग के साथ तो हम कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि जो इसकी आफ्टर सेल सर्विसिंग है वो काफ़ी अलग ही लेवल की है। रेडमी के दोस्तों सर्विस सेंटर से कंपेयर करें तो अमूमन आजकल रेडमी के सर्विस सेंटर आपको हर जगह पर मिल जाते हैं, और देर सवेर आपका फ़ोन आपके पास रिपेयर होकर आ भी जाता है। लेकिन रियलमी के साथ दोस्तों ये चीज़ें नहीं है। रियलमी ने टाई अप किया हुआ है ओप्पो के साथ, लेकिन यार काफ़ी कस्टमर को ये प्रॉब्लम आई है, काफ़ी जगहों पर दोस्तों ये देखने को मिला है। अगर आप रियलमी के फ़ोन लेकर ओप्पो में जाते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, तो ओप्पो वाले दोस्तों मना कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा इस फ़ोन का यार, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसिंग ये बड़ी चीज़ होती है। कभी मान ले आपकी UI में कभी फ्रीज हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और मेरे दोस्त के साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है जिसके पास रियलमी U1 था, तो काफ़ी यार प्रॉब्लम फेस हुई है। तो मेरे हिसाब से सर्विस सेंटर पर काफ़ी काम करना चाहिए, हालांकि माधव सेठ ने काफ़ी काम किया भी है मेरे हिसाब से, और ज़रूरत है हर जगह पर सर्विस सेंटर चाहे नहीं बना पाए, लेकिन जो ओप्पो के सर्विस सेंटर है कम से कम यार वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम तो फेस ना करनी पड़े। तो जो बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा है वो इसका आफ्टर सेल सर्विसिंग ही है। हाँ तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी अगली कमी की ओर। यहाँ पर दोस्तों जो अगली कमी है वो इसकी दोस्तों UI है, यानी कि यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर दोस्तों आपको कलर OS 6.0 मिलता है, हालांकि इसको अपग्रेड कर दिया गया और काफ़ी सारे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो एक Realme की खास आदत दोस्तों, ये आप Oppo की भी कह सकते हैं, कि वो कलर OS में जब कुछ फीचर भी डालती हैं तो मेरे हिसाब से एक फीचर डालने के बजाय वो दो कमियां उसमें और छोड़ देती हैं, यानी कि बग और डाल देती हैं। तो ये मुझे दोस्तों थोड़ी सी बेकार चीज़ लगी, थोड़ी सी नहीं दोस्तों काफ़ी बेकार है। यूज़र एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से Realme के फ़ोन का Oppo के फ़ोन का इतना बढ़िया नहीं रहता है। अगर हम कंपेयर करें तो दोस्तों Redmi से और Samsung से या बाकी और भी ब्रांड्स आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से। तो कलर OS दोस्तों मुझे लगता है कि यार या तो इनको ये जो OS है वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे इनके फ़ोन की मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंडिया से। क्योंकि जो कलर OS है मुझे पर्सनली और मुझे नहीं किसी को भी पसंद नहीं है। 70% दोस्तों यूजर ऐसे हैं जिनको कलर OS पसंद नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वो नकल करते हैं आईफोन की भी, स्टॉक एंड्रॉइड भी उनको चाहिए होता है, फीचर भी इतने डाल देते हैं जैसे कि कोई पता नहीं क्या बना दिया हो, लेकिन फीचर डालते हैं तो कुछ कमियां भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अगले अपडेट का इंतजार करो। तो मेरे हिसाब से यार ये जो UI के मामले में फोन थोड़ा सा दोस्तों मात खा जाता है इन कंपैरिजन रेडमी से। अगली दोस्तों जो इस फोन की कमी है वो इसके बिल्ड क्वालिटी, उसका लुक। अगर आप लुक की बात करेंगे तो ये अमूमन ये बेसिक स्मार्टफोन जैसा ही मुझे लगा है। Realme 3 दोस्तों जैसा आपको देखने को मिला था उससे भी दोस्तों लुक के मामले में मुझे डाउनग्रेड लगा है Realme 3 Pro। आपने अनबॉक्सिंग में देख ही लिया होगा, और आप जो बोल रहे हैं कि अनबॉक्सिंग झूठी थी फ़ोन अलग होगा, भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओपन चैलेंज है, जो फ़ोन अनबॉक्सिंग में आपने देखा था वही फ़ोन आपको मिलने वाला है 22 तारीख को भी। तो लुक के मामले में दोस्तों इससे बेहतर है यार ओनर का 8X, इससे बेहतर है नोकिया 5.1 प्लस, इससे बेहतर है रेडमी नोट 7 प्रो भी दोस्तों, इससे आपको बेहतर देखने को मिल जाता है। सैमसंग का M30 भी दोस्तों पीछे से अगर देखोगे तो इससे तो आपको बेहतर ही देखने को मिलेगा। तो लुक के मामले में दोस्तों आपको काफ़ी काम करने की जरूरत है रियलमी को। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दी है तो यार प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है, कंपेयर करें तो ग्लास बॉडी से। यहाँ पर आपको स्क्रैच जल्दी देखने को मिलेंगे, फिंगरप्रिंट भी जल्दी देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन ग्लास बॉडी के। तो बिल्ड क्वालिटी में और लुक्स में दोस्तों फ़ोन काफ़ी पीछे है मेरे हिसाब से Realme का 3 Pro। अगली और दोस्तों लास्ट कमी इस फ़ोन की मुझे लगी है वो यार इसका माइक्रो USB पोर्ट। अब यार इन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए 20 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग दी है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कदम है। चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन माइक्रो USB पोर्ट जब यार सैमसंग जैसी कंपनियां भी आपको बजट रेंज में माइक्रो USB पोर्ट मतलब नहीं दे रही हैं, टाइप सी का पोर्ट दे रही हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। अगर माइक्रो USB पोर्ट बेहतर होता टाइप सी से तो भैया वो इन्वेंटी क्यों होता और बाकी कंपनियां इसे लाती क्यों।
अगर आपके पास काफ़ी सारे गैजेट हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो दोस्तों टाइप सी पोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो इस बात को समझ सकते हैं कि आपको एक तो यूनिवर्सल पोर्ट आप कह सकते हो हर जगह पर दोस्तों, कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने मैक के साथ, अपने दोस्तों जो पीसी है, लैपटॉप के साथ, अपनी जो वीवो बुक है, सभी के साथ आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। अंधेरे में भी दोस्तों आप चार्जिंग को लगा सकते हो, आपको मतलब सीधी या उल्टी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक खास अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग दी है तो इसको कौन को थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कौन तो कौन ही होता है। तो अमूमन दोस्तों ये कुछ कौनस हैं, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, कैमरा दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन का चिपसेट भी काफ़ी दमदार है। अगर आपको दोस्तों इन कौन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना के लिए, वीडियो में फिर मिलकर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बट हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करना, क्योंकि पूरी ईमानदारी से दोस्तों मैंने आपको कौनस बताए हैं।